अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। और बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको दो लेसन की रीडिंग करवाई थी। एक थी गीबत, एक लेसन का नाम था गीबत और दूसरा था हमसायों से अच्छे ताल्लुकात। आज की जो वीडियो में मैं आपको इन्हीं दो लेसन में से आपका मैंने टेस्ट तैयार किया है, तो आपने इसको सॉल्व करना है। पहले सबसे पहले बच्चों, आपने इसके अपने लेसन को अच्छे से याद करना है, अच्छी सी तैयारी करके फिर आप लोगों ने ये टेस्ट सॉल्व करना है, ठीक है? आपके इसके टेस्ट के हैं कुल नंबर 20 और ये 3 क्लास का ये टेस्ट है। और इसमें दर्ज ज़ैल सवाल के जवाब दीजिए। पहला सवाल है गीबत का मफहूम लिखिए, ठीक है? उसके बाद अगला सवाल है गीबत से क्यों मना किया गया है। क्या है सवाल अगला? गीबत से क्यों मना किया गया है। उसके बाद अगले पेज पे आ जाएं, इसमें आपका सवाल नंबर है हमसायों के हकूक़ बयान कीजिए। क्या है आपका सवाल? हमसायों के हकूक़ बयान कीजिए। उसके बाद लास्ट आपका क्वेश्चन है हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखने के क्या फ़ायदे हैं। हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। इसके बाद अगला पेज देखें, ये अगले पेज पे आपकी है फिल इन द ब्लैंक्स। ये है दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए, ठीक है? क्या है? दुरुस्त लफ्ज़ लिखकर जुमले मुकम्मल कीजिए। इसमें पहली आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है इस्लाम में गीबत एक बहुत बड़ा डैश है। नंबर 2 पे है गीबत करना अपने मुर्दा डैश का गोश्त खाने के बराबर है, ठीक है? नंबर 3 गीबत को इंतहाई डैश और गंदा अमल करार दिया है। नंबर 4 गीबत करने वाले को कोई डैश नहीं करता। नंबर 5 अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में गीबत से डैश फरमाया है, ठीक है? ये आपकी खाली जगह है, ये आपने इसको अपने अच्छे इसको फिल करना है। उसके बाद अगले पेज पे आपका है दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए, ठीक है? क्या है? दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। इसमें नंबर 1 है हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने को इस्लाम में बहुत अहमियत हासिल है। अब अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इस ब्लॉक के अंदर आपने इसके टिक लगाना है, अगर गलत है तो इसके अंदर ही आपने क्रॉस लगाना है। नंबर 2 पे है हमसायों की गलतियों को दरगुजर नहीं करना चाहिए। ये आगे ब्लॉक बना हुआ है, इसके अंदर आपने निशान लगाना है। अगर ये सही है तो दुरुस्त का निशान लगाना है, अगर स्टेटमेंट गलत है तो क्रॉस का निशान लगाना है। नंबर 3 पे है हमसाया अगर बीमार हो तो इसके इयादत करनी चाहिए। इसमें भी देखें ब्लॉक्स बना हुआ है, इसमें भी आपने निशान लगाना है सही या गलत है, इसके अंदर लगाना है। उसके बाद हमसायों की खामियों और बुराइयों को दूसरों पर जाहिर करना चाहिए, यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है? नंबर 5 है हमसायों से अच्छे ताल्लुकात मुआशरे की मजबूती का बायस बनती हैं। क्या है? हमसायों से अच्छे ताल्लुकात मुआशरे की मजबूती का बायस बनते हैं, यहाँ पे इसके अपने यहाँ पे इसका निशान लगाना है, ठीक है? यहाँ पर जो आपका टेस्ट है, एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ, ये आपके 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है? अकीबत का मफहूम लिखिए, उसके बाद अकीबत से क्यों मना किया गया है, इसके बाद हमसायों के हकूक बयान कीजिए, और नंबर 4 पे हमसायों से अच्छे ताल्लुकात रखने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? इसमें आप उसके बाद आपने ये अगला आपका क्वेश्चन जो है वो आपका है, ये आपकी फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये आपने फिल इन दी ब्लैंक्स आपने फिल करनी है, ठीक है? ये 5 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और ये आपने फिल करनी है। इसको आप उतार के अच्छे से नीट नीट आपने ये टेस्ट करना है और फिर मुझे स्कूल में जमा करवाना है। उसके बाद देखें लास्ट आपका क्वेश्चन है ये दुरुस्त जुमले के सामने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगे। ये आपको जुमले दिए हुए हैं और ये आपके साथ आगे ब्लॉक्स भी बने हुए हैं, उस ब्लॉक्स के अंदर आपने निशान लगाने हैं, ठीक है बच्चों? उम्मीद है आप टेस्ट